हेलो एवरीवन, वेलकम टू आन अकेडमी जुडिशरी। सो वी आर डूइंग रिवीजन ऑन मुस्लिम लॉ। अभी तक हम काफ़ी टॉपिक्स रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल है, यू कैन वॉच दोज। इन आर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक ऑफ डावर। तो आज की लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ डाइवोर्स अंडर द मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ में जो डाइवोर्स है अंडर द मुस्लिम लॉ, द मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी। इसमें प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है एंड कंसिडरेशन इज देयर, सो दैट्स वाई दिस इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सो अंडर द मुस्लिम लॉ अ मैरिज इज डिसॉल्व्ड। मैरिज कैसे डिसॉल्व हो सकती है? ईदर बाय द डेथ और बाय द डाइवोर्स। ठीक है, या तो डेथ से हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाए या फिर डाइवोर्स से। सो विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। So how this can be classified? We'll just discuss this with the help of chart. By the death of the party to the marriage, either husband and wife or by divorce. So divorce से आगे further इसको divide किया हुआ है कि husband कैसे उसको dissolve कर सकता है, wife कैसे कर सकती है, mutual consent से कैसे हो सकता है, by mutual consent and by judicial decree under dissolution of Muslim marriage act 1939. इसमें कौन से वेज दिए हुए? dissolution of Muslim marriage act 1939. तो हस्बैंड किन वेज से कर सकता है? दैट इज बाय तलाक। तलाक में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, इला एंड जिहा। So these are the forms of divorce by husband. Wife divorce देती है उसको क्या कहते हैं? तलाक ए तफवीज। एंड म्यूचुअल कंसेंट से किन वेज से होता है? खुला, मुबारक एंड बाई जुडिशियल डिक्री अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, दैट इज लियन एंड फस्क। लियन एंड फस्क, दीज आर द वेज। तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तलाकुल सुन्नत एंड तलाकुल तलाकुल बिद्दत में। तलाकुल सुन्नत को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है तलाक एहसान में एंड तलाक हसन में। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द वाइफ, वाइफ की डेथ के बाद हस्बैंड जो है मुस्लिम लॉ में, ठीक है, वो इमीडिएटली री मैरिज कर सकता है। सो अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो मुस्लिम हस्बैंड कैन री मैरी इमीडिएटली। बट इन द केस ऑफ वाइफ ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना होगा। सो वंस द इद्दत पीरियड एक्सपायर्स शी कैन री मैरी, उसके बाद वो मैरिज कर सकती है। सो इद्दत पीरियड कितना उसको ऑब्जर्व करना होगा? इद्दत ऑफ विडोहुड इज 4 months and 10 days, 4 महीने 10 दिन तक उसको इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद वो जो है किसी और से मैरिज कर सकती है। सो ये टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द कंसेप्ट ऑफ दैट इज मैरिज के कंसेप्ट में। तो जनरली दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन है डाइवोर्स, बट जो हस्बैंड का राइट है दैट इज मच ग्रेटर देन द राइट ऑफ द वाइफ। तो हस्बैंड का राइट ऑफ डाइवोर्स इज मच ग्रेटर देन द राइट ऑफ द वाइफ अंडर द मुस्लिम लॉ। तो हस्बैंड जो है मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है कभी भी एट हिज विल। डाइवोर्स जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी हो सकता है। सो लाइक आई टोल्ड यू इन दीज वीज, डाइवोर्स जो है वो वाइफ भी दे सकती है एंड उसको तलाक तफवीज कहा जाता है। एंड डाइवोर्स में ऑल्सो द मैरिज में ऑल्सो भी डिजॉल्व बाई द जुडिशियल डिक्री अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, दैट इज बाय द वे ऑफ लियन एंड। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ तलाक और डाइवोर्स? तलाक का मतलब क्या होता है? तो तलाक इन इट्स ओरिजिनल सेंस मीन्स रेपुडिएशन और रिजेक्शन, ठीक है, रेप्यूडिएट करना मैरिज को। तो अगर हम मुस्लिम लॉ में बात करें, इट मीन्स अ रिलीज फ्रॉम द मैरिज, अ मैरिज टाई, ठीक है, रिलीज करना मैरिज टाई से या तो इमीडिएटली और इवेंचुअली। तो व्हाट इज द कैपेसिटी फॉर द तलाक? तलाक के लिए क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? मुस्लिम शियाज का शियाज के अंडर क्या कैपेसिटी होनी चाहिए एंड सुन्नी लॉ का इसके रिगार्डिंग क्या कहना है? लेट्स जस्ट हैव अ लुक टू दैट। इन ऑर्डर टू प्रोनाउंस अ वैलिड तलाक प्रोनाउंस करने के लिए हस्बैंड के पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। शिया लॉ में
जो हस्बैंड है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, रियाज में जो हस्बैंड है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, पुबर्टी की एज अटेन की होनी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, पुबर्टी की एज अटेन की होनी चाहिए, बट प्रोवाइडेड कि जो तलाक है वो प्रनाउंस नहीं होना चाहिए किसी भी कंपल्शन या ड्यूरेस में, एंड दैट कैन बी प्रनाउंस्ड ऑरली, ठीक है, दैट इज टू बी प्रनाउंस्ड ऑरली इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू विटनेसेस। लाइक इन द केस ऑफ मैरिज व्हाट वी हैव सीन इज कि मैरिज के केस में शियाज में विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट दैट इज रिक्वायर्ड अंडर द सुन्नीस, बट यहाँ पे ऑपोजिट है। इन द केस ऑफ डाइवोर्स शियाज में दैट मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस, बट सुन्नीस में रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन द केस ऑफ डाइवोर्स। तो शियाज में कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी की एज अटेन की होनी चाहिए। सो मुस्लिम लॉ में पुबर्टी का कंसेप्ट चलता है, दैट इज पुबर्टी मीन्स द पर्सन हैज अटेन्ड मेजोरिटी, दैट इज हम प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलते हैं 15 साल की। तो दिस इज रिगार्डिंग द एंड दैट कैन बी दैट इज टू बी प्रोनाउंस्ड ऑरली, ऑरली ये प्रोनाउंस होगा। सुन्नीज का इसके रिगार्डिंग क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू सुन्नी मोहम्मदन ऑफ दैट मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, अगर कोई साउंड माइंड है जिसने मेजोरिटी की एज को अटेन कर लिया है वो कभी भी अपनी वाइफ को जो है तलाक प्रनाउंस कर सकता है विदाउट असाइनिंग एनी कॉज, ठीक है, बिना कोई कॉज असाइन किए हुए दैट कैन प्रनाउंस द तलाक। तो साउंडनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द असेंशियल इंग्रीडियंट फॉर डिजॉल्विंग अ मैरिज, साउंडनेस ऑफ माइंड जो है दैट इज एन असेंशियल इंग्रीडियंट। एंड शियाज में वॉट वी हैव स्टडीड इज कि ये प्रनाउंस नहीं होना चाहिए, नॉट इन एनी फॉर्म ऑफ कंपल्शन या ड्यूरेस के अंडर नहीं होना चाहिए। फॉर द वैलिडिटी अंडर द शिया लॉ दैट मस्ट नॉट बी इन एनी फॉर्म ऑफ कंपल्शन और ड्यूरेस, बट इफ वी टॉक अबाउट द सुन्नी लॉ, अ तलाक प्रोनाउंस अंडर कंपल्शन और इंटॉक्सिकेशन और फ्रॉड इज इफेक्टिव अंडर द सुन्नी लॉ, बट दैट इज वॉइड अंडर द शिया। तो सुन्नीज में ये इफेक्टिव है बट शियाज में ये इफेक्टिव नहीं है, दैट इज वॉइड एज वी हैव ऑलरेडी सीन। सो दिस इज रिगार्डिंग द कैपेसिटी फॉर द तलाक। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द हस्बैंड कैसे तलाक दे सकता है, दैट इज डिफरेंट मोड्स ऑफ तलाक में हमें क्या दिया हुआ है। तलाक को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज दिस कैन बी डिवाइडेड इंटू तलाक उल सुन्नत एंड तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत में एंड तलाक उल बिद्दत में, तलाक उल सुन्नत को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, दैट इज एहसान एंड हसन में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एहसान तलाक, तो एहसान तलाक का मतलब होता है दिस इज द मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक। जो एहसान तलाक है दिस इज द मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक। द अरेबिक वर्ड, दिस इज द अरेबिक वर्ड दैट इज एहसान, इसका मतलब होता है बेस्ट। तो दिस इज द वेरी दैट इज दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक। तो अगर कोई भी तलाक प्रनाउंस करता है एहसान फॉर्म में, दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ तलाक, बट देर आर सर्टन कंडीशंस दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एहसान तलाक। तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा एहसान तलाक में, वो कौन कौन सी है। द फर्स्ट वन इज दैट की जो हस्बैंड तलाक प्रोनाउंस करेगा दैट मस्ट बी गिवन इन अ सिंगल सेंटेंस में होना चाहिए। तो द हस्बैंड मस्ट प्रोनाउंस द तलाक, द मस्ट प्रोनाउंस द फॉर्मूला ऑफ डाइवोर्स इन अ सिंगल सेंटेंस। जो प्रोनाउंसमेंट है तलाक की वो स्टेट ऑफ प्योरिटी में होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ प्योरिटी, दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तोहर, तोहर के पीरियड में होनी चाहिए। थर्ड वन इज दैट इज, तो फर्स्ट क्या है कि तलाक को सिंगल सेंटेंस में फॉर्म करेगा, सेकेंड इज ही मस्ट हैव गिवन द तलाक इन द केस ऑफ प्योरिटी, एंड द थर्ड वन इज ही मस्ट एब्स्टेन फ्रॉम इंटरकोर्स फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत। देर शुड नॉट बी एनी रिलेशन बिटवीन द पार्टीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, देन दिस इज दीज आर द कंडीशंस दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन दिस टाइप ऑफ तलाक। सो व्हेन द मैरिज हैज नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड, अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है तो तलाक इन द एहसान फॉर्म मे बी प्रोनाउंस्ड इवन इफ द वाइफ इज इन हर मेंस्ट्रुएशन, बट जनरली व्हाट वी हैव सीन कि पीरियड ऑफ प्योरिटी में होना चाहिए तलाक प्रोनाउंस किया, बट अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है देन तलाक इन द एहसान फॉर्म कैन बी प्रोनाउंस्ड इवन इफ द वाइफ इज अंडर मेंस्ट्रुएशन।
तो अगर कोई भी तलाक को प्रनाउंस करता है एहसान फॉर्म में, वेदर दैट इज रिवोकेबल और नॉट, तो क्या इसको रिवोक किया जा सकता है या नहीं? येस, दिस इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत. वॉट वी हैव सीन कि पार्टीज के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, बट अगर पार्टीज दोबारा से रिकनसाइल कर जाती हैं या फिर अगर हस्बैंड ने रिवोकेशन एक्सप्रेस वर्ड्स में दे दिया या इम्प्लाइड है, देन दैट इज रिवोकेबल अंडर दिस. बट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत, अगर एक बार इद्दत पीरियड एक्सपायर हो गया, देन द डाइवोर्स बिकम्स इरिवोकेबल. तो डाइवोर्स जो है वो इरिवोकेबल हो जाएगा. सो दिस इज द एहसान फॉर्म ऑफ तलाक. सो दिस इज द वेरी बेस्ट और वेरी प्रॉपर काइंड ऑफ तलाक. सेकेंड वन इज दैट इज हसन फॉर्म ऑफ तलाक. सो दिस इज अगेन एन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स गुड. तो ये जो वर्ड है ये सिग्निफाई करता है, दिस इज द गुड मोड ऑफ तलाक. तो एज टर्म सिग्निफाई, अगर जो तलाक प्रोनाउंस किया है हसन फॉर्म में, दैट इज ऑफ लेसर वर्थ देन द वन दैट इज प्रोनाउंस्ड अंडर द एहसान फॉर्म. व्हाई? बिकॉज उसका मतलब ही बेस्ट था, इसका मतलब गुड है. जैसे इनकी टर्म्स सिग्निफाई करती हैं, तो अगर कोई तलाक हसन फॉर्म में कोई भी देता है, दैट इज ऑफ लेसर वर्थ एज इफ वी कंपेयर टू द तलाक दैट इज प्रोनाउंस्ड अंडर द एहसान फॉर्म. सो लाइक वी हैव सीन द कंडीशंस नेसेसरी अंडर द एहसान फॉर्म ऑफ तलाक. सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द हसन फॉर्म ऑफ तलाक. तो एहसान फॉर्म में जो तलाक था वो सिंगल सेंटेंस में प्रोनाउंस होना चाहिए, बट हेयर इन द हसन फॉर्म ऑफ तलाक इट इज टू बी प्रोनाउंस्ड इन द थ्री सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स होनी चाहिए. देयर मस्ट बी थ्री सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डाइवोर्स. इन द केस ऑफ मेंस्यूरेटिंग वाइफ, द फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ तुहर, द सेकेंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट तुहर, एंड द थर्ड ड्यूरिंग द सक्सीडिंग तुहर. तो थ्री सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स होनी चाहिए. वो थ्री सक्सेसिव कैसे होंगी? जो फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट है वो फर्स्ट पीरियड ऑफ तुहर के टाइम होनी चाहिए, सेकंड प्रोनाउंसमेंट सेकंड पीरियड ऑफ तुहर के टाइम, थर्ड प्रोनाउंसमेंट थर्ड पीरियड ऑफ तुहर के टाइम होनी चाहिए. सो दिस इज इन द केस ऑफ मेंस्यूरेटिंग वाइफ. अगर वाइफ नॉन मेंस्यूरेटिंग है, देन द प्रोनाउंसमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ 30 डेज. अगर वाइफ मेंस्यूरेटिंग नहीं है, तो ये तीन जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं ये ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 30 डेज होनी चाहिए. एंड देयर शुड नॉट बी एनी रिलेशन, नो रिलेशन शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग दीज पीरियड्स ऑफ तुहर. कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए पार्टीज के बीच में ड्यूरिंग दीज पीरियड्स ऑफ तुहर. एंड सच डाइवोर्स, जो ऐसा डाइवोर्स है वो इरिवोकेबल हो जाएगा ऑन द थर्ड प्रोनाउंसमेंट. तो एहसान फॉर्म में व्हाट वी हैव सीन इज कि वंस द इद्दत पीरियड एक्सपायर्स दैट बिकम्स इरिवोकेबल, बट हियर दिस डाइवोर्स बिकम्स इरिवोकेबल ऑन द थर्ड प्रोनाउंसमेंट. तो थर्ड प्रोनाउंसमेंट पे ये डाइवोर्स जो है वो इरिवोकेबल हो जाएगा. सेकंड इज दैट इज तलाकुल इद्दत. दिस इज द मोस्ट डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक. ये सब डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक है. तो इन दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल तलाक. दैट इज अगर कोई थ्री टाइम्स तलाक प्रोनाउंस कर देता है, दैट बिकम्स इरिवोकेबल. तो इसको लेके जो है, देयर इज अ केस लॉ रिगार्डिंग दिस, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने इस फॉर्म ऑफ तलाक को जो है, द कोर्ट हेल्ड दिस फॉर्म ऑफ तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कोर्ट ने डिक्लेयर किया था इस केस लॉ में. एंड अगर कोई भी ये तलाक प्रोनाउंस करता है, दैट इज पनिशेबल. 3 years की पनिशमेंट हो सकती है एंड फाइन. एंड दिस इज कॉग्निजेबल. ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है. एंड दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग दिस. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक इज दैट इज दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द तलाक उल सुन्नत एंड तलाक उल बिद्दत. नाउ द नेक्स्ट फॉर्म इज दैट इज इला. सो वॉट इज द इला मोड ऑफ तलाक? इला को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज वाव ऑफ कंटिन्यू. इसका मतलब क्या है कि वेयर द हस्बैंड हैज अटेन्ड मेजॉरिटी, अगर हस्बैंड ने मेजॉरिटी की एज को अटेन कर लिया है, एंड इज ऑफ साउंड माइंड, एंड वो साउंड माइंड का है, अगर वो स्वेयर कर लेता है गॉड के साथ दैट ही विल नॉट हैव एनी रिलेशन विद हिज वाइफ, एंड ही लीव्स द वाइफ टू ऑब्जर्व द इद्दत, देन ही इज सेड टू मेक एन इला. सो
व्हाट आर द असेंशियल कंडीशंस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ टाइप्स? जो हस्बैंड है वो साउंड माइंड का होना चाहिए एंड उसने पुबर्टी की एज को अटेन किया होना चाहिए. सेकेंड इज ही स्वियर्स बाय गॉड और टेक्स अ वाउ. ठीक है, वो वाउ लेता है किस चीज की? दैट ही विल नॉट हैव एनी रिलेशन विद हिज वाइफ एंड इन परस्यूएंस ऑफ दैट वाउ ही अब्सटेन्स फ्रॉम एनी रिलेशन विद हिज वाइफ फॉर 4 months और मोर. 4 महीने या ज्यादा से वो अपनी वाइफ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं मेंटेन करता है. देन दैट इज द मीनिंग ऑफ इला. नाउ हाउ एन इला कैन बी कैंसल्ड? या तो पार्टीज रिकनसाइल कर ली. ठीक है, द हस्बैंड रिज्यूम्स द रिलेशनशिप विद द वाइफ विद इन द पीरियड ऑफ 4 months बिकॉज वॉट वी हैव सीन दिस इज वन ऑफ द असेंशियल इंग्रीडियंट्स की 4 महीने या ज्यादा से वो एब्सटेन करना चाहिए. तो अगर उसने रिज्यूम कर लिया है वाइफ के साथ रिलेशन देन दैट मीन्स की कैंसिलेशन हो गया इला का. सेकेंड इज अगर कोई वर्बल रिस्ट्रिक्शन कर दिया हस्बैंड दैट इज द कैंसिलेशन ऑफ इला. तो इला का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स द वाउ ऑफ कंटिन्यूस. थर्ड वन इज दैट इज जिहार. Now, what is the meaning of zihar? Zihar का मतलब क्या होता है? This means injurious assimilation. What is the meaning of this? This means injurious assimilation. So, if the husband compares his wife to his mother, अगर husband अपनी wife को अपनी mother से compare करता है या किसी और female से compare करता है within a prohibited degree, जो prohibited degree में है, देन वाइफ का राइट है दैट शी हैज़ अ राइट टू रिफ्यूज हर सेल्फ टू हिम. वो खुद को रिफ्यूज कर सकती है अपने हस्बैंड को अनटिल ही हैज़ परफॉर्म्ड पेनेंस. तो इन डिफॉल्ट ऑफ एक्सपिएशन बाय द पेनेंस द वाइफ हैज़ अ राइट टू अप्लाई फॉर अ जुडिशियल डाइवोर्स. जो वाइफ है वो जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है. तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ जिहार? जिहार का मतलब क्या है कि इसमें जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कंपेयर करता है किससे? अपनी मदर से या फिर किसी और फीमेल से जो कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज में है. ठीक है, अगर उसको तो वाइफ का राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकती है खुद को अपने हस्बैंड को अनटिल ही हैज परफॉर्म पेनेंस, जब तक वो तपस्या ना कर ले. पेनेंस का मतलब होता है. तो वॉट आर द इंग्रीडियंट्स फॉर जिहार? हस्बैंड सेन एंड एडल्ट होना चाहिए. He must have refused to have any relation with him. The wife must have refused to have any relation with him till he has performed penance such as freeing a slave, fasting for 2 months, या फिर वो feed करे 60 poor persons को. अगर तो जो wife है वो apply कर सकती है court में for an order requiring him कि either to perform कि वो या तो penance करे या फिर to decree her a regular divorce, या फिर जो court है उसको regular divorce grant कर दे. Now, what are the legal effects of zihar? एक जिहार के legal effects क्या होते हैं? तो अगर husband ने जिहार को declare कर दिया, that does not of itself terminate the marriage. वो marriage को terminate नहीं करेगा, nor is the claim of the wife for the restitution of conjugal rights lost, even if expiation has not been done. So, there are certain legal consequences that emerged from zihar. So, कौन सी legal consequences हैं? The first one is that a sexual intercourse becomes unlawful. Second is husband is rendered liable to expiation by penance. Third one is that is the wife can claim judicial separation if the husband persists in wrongdoing. जो wife है वो judicial separation के लिए apply कर सकती है अगर husband जो है persist करता है in wrongdoing. So we have discussed the 3 types of talaq under that can be given by the husband. So that is talaq mein talaqul sunnah, talaqul biddat we have studied. Second is illa and the third one is that is zihar. Second is wife. The wife has the authority to give the divorce. So talaq ke tafweez ka matlab hota hai. That is talaq by the wife. Talaq wife deti hai but the husband's delegated power. बट उसको पावर जो है वो हस्बैंड डेलीगेट करता है. तो डेलीगेशन ऑफ पावर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मुस्लिम लॉ ऑफ डाइवोर्स. तो हस्बैंड या तो खुद डाइवोर्स दे सकता है. हस्बैंड में इधर रेपुडिएट द मैरिज हिमसेल्फ, उसके पास अथॉरिटी है, या फिर वो ये
पावर जो है वो डेलीगेट कर सकता है अपनी वाइफ को ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी और ऑन द हैपनिंग ऑफ समथिंग. तो ऐसी डेलीगेशन ऑफ पावर को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज तफवीज. तो एन एग्रीमेंट मेड ईदर, एग्रीमेंट शादी के पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, इस चीज़ को लेके कि वाइफ लिबर्टी पे है कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स कर सकती है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड एंड वाइफ जब मैरिज करते हैं वो ये इस एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं कि वैसे तो मुस्लिम लॉ में 4 वाइफ्स आर अलाउड, तो ही कैन एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद हिज वाइफ कि वो किसी और से मैरिज नहीं करेगा अगर वो शादी करता है, शी इज़ एट लिबर्टी टू डाइवोर्स हर. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कि हस्बैंड ने अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर दी किसको, वाइफ को. बट जो ऐसी कंडीशंस हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए एंड दैट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के, वो अपोज में नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ तलाक ए तफवीज. ना म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कैसे हो सकता है, हाउ डाइवोर्स कैन बी गिवन बाय द म्यूचुअल कंसेंट. सो फर्स्ट वन इज दैट इज खुला. तो खुला का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है वाइफ हस्बैंड से रिलीज के लिए बोलती है. खुला मीन, खुला और रिडेम्पशन मीन्स टू ले डाउन. इट मीन्स लेइंग डाउन बाय अ हस्बैंड ऑफ हिज राइट एंड अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ. तो हस्बैंड जो है इसमें ले डाउन करता है अपनी अथॉरिटी, अपना राइट जो है अपनी वाइफ के ऊपर. तो देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स फॉर द खुला. खुला में क्या होता है कि वाइफ ऑफर करती है हस्बैंड को, देयर मस्ट बी एन ऑफर फ्रॉम द वाइफ किस चीज़ के लिए, ठीक है कि वो उसको डाइवोर्स दे दे. तो ऑफर जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, हस्बैंड उसको एक्सेप्ट करता है विद द कंसीडरेशन फॉर द रिलीज, कंसीडरेशन के साथ उसको रिलीज करने के लिए. तो जो कंसीडरेशन है खुला में, तो द हस्बैंड कैन एग्री टू एनीथिंग एवरीथिंग दैट कैन बी गिवन एज अ डाउर. हस्बैंड किसी भी चीज़ को एग्री कर सकता है टू एनीथिंग दैट कैन बी गिवन एज अ डाउर. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है मनी हो गया, वो किसी भी चीज़ को लेके ऐसे कंसीडरेशन वो एग्री कर सकता है. नाउ इफ कंसीडरेशन इज अनपेड, अगर कंसीडरेशन अनपेड है तो फिर उसका मतलब क्या है. तो केसेस अक्कर करते हैं जहाँ पे वाइफ एग्री करती है हस्बैंड को टू गिव समथिंग या फिर टू गिव समथिंग बाय वे ऑफ कंसीडरेशन फॉर हर लीज. बट जब हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स दे देता है तो वो अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं करती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये डाइवोर्स स्टिल वैलिड रहेगा फिर, क्योंकि हस्बैंड ने तो इसलिए एक्सेप्ट किया था, उसने तो कंसीडरेशन के उसमें एक्सेप्ट किया था, बट अब वाइफ ने डाइवोर्स लेके उसको अपना प्रॉमिस ही नहीं फुलफिल किया है. तो इन सच अ केस द डाइवोर्स डज नॉट बिकम इनवैलिड. डाइवोर्स इनवैलिड नहीं हो जाएगा, बट हाँ हस्बैंड का राइट है कि वो क्लेम कर सकता है कंसीडरेशन के लिए. वाई? बिकॉज जैसे ही खुला एक्सेप्ट हो जाता है इट बिकम्स एन इरिवोकेबल डाइवोर्स. साथ के साथ वो एक इरिवोकेबल डाइवोर्स बन जाता है एंड द वाइफ इज बाउंड टू ऑब्जर्व इट. दैट्स वाई वो इनवैलिड नहीं रहता है अगर कंसीडरेशन पे नहीं होती है, बट हाँ हस्बैंड क्लेम कर सकता है वाइफ से कंसीडरेशन, बिकॉज वंस द खुला, जैसे ही खुला जो है एक्सेप्ट हो गया, दैट मीन्स वो इरिवोकेबल बन गया एंड द वाइफ इज बाउंड टू ऑब्जर्व द पीरियड ऑफ इद्दत. सेकेंड इज दैट इज मुबारक. मुबारक का मतलब क्या है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट मीन्स म्यूचुअल रिलीज. तो मुबारक को हम क्या कहते हैं, दिस मीन्स डाइवोर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और म्यूचुअल रिलीज. तो मुबारक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. मुबारक जो है दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. ये सिग्निफाई करता है म्यूचुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द मैरिटल टाई. ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, म्यूचुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द मैरिटल टाई. इसको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट भी कहा जाता है. मुबारक में पार्टीज जो है म्यूचुअली एग्री करती है, दोनों पार्टीज डिजायर करती हैं सेपरेशन. बट खुला में वाइफ डिजायर करी थी, हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया, बट यहाँ पे दोनों ही पार्टीज जो है सेपरेशन को डिजायर करिए, सो उनका म्यूचुअल है. इन दिस मोड ऑफ डाइवोर्स जो ऑफर है वो किसी भी साइड से हो सकता है, दैट कैन बी फ्रॉम द साइड ऑफ वाइफ और दैट कैन बी फ्रॉम द साइड ऑफ हस्बैंड. सो व्हेन एन ऑफर मुबारक इज एक्सेप्टेड,
अगर ऑफर मुबारक एक्सेप्ट हो जाता है देन इट बिकम्स एन इरिवोकेबल डाइवोर्स, तो वो इरिवोकेबल डाइवोर्स बन जाता है एंड द शिया एंड द इद्दत इज नेसेसरी इन दैट, एंड इद्दत जो है उसमें नेसेसरी हो। अंडर द शिया लॉ पार्टीज जो हैं अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती हैं बाय वे ऑफ मुबारक अगर इम्पॉसिबल है उनमें टू कंटिन्यू द मैरिज टाई। शियाज का ये मानना है कि पार्टीज जो हैं मैरिज को डिसॉल्व कर सकती हैं बाय वे ऑफ मुबारक इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू द मैरिज टाई। नाउ व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन खुला एंड मुबारक, खुला और मुबारक के बीच में क्या डिफरेंस है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुला, खुला का मतलब क्या है? रिडेम्पशन। किस चीज का रिडेम्पशन खुला का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुला इज रिडेम्पशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। वाइल मुबारक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुबारक? दिस इज द म्यूचुअल रिलीज फ्रॉम द मैरिज टाई। ये क्या है? ये एक म्यूचुअल रिलीज है मैरिज टाई से। खुला में जो ऑफर है दैट इज मेड बाय द वाइफ, वो वाइफ करती है एंड इट्स एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द हस्बैंड, एंड जो एक्सेप्टेंस है वो हस्बैंड करता है। बट इन मुबारक एनी ऑफ द टू कैन मेक एन ऑफर एंड द अदर एक्सेप्ट्स। मुबारक में उनमें से कोई भी दोनों में से ऑफर कर सकता है एंड दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। खुला में जो कंसिडरेशन है दैट पासिस फ्रॉम द वाइफ टू हस्बैंड, क्योंकि उसमें वाइफ डिजायर करे तो वाइफ हस्बैंड को देती है। बट मुबारक में द क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट अराइज, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन जो है वो अराइज ही नहीं होता। जो खुला है इन खुला द एवर्जन इज ऑन द साइड ऑफ द वाइफ, वर्जन जो है वो वाइफ की साइड पे होता है। वाइल इन मुबारक देर इज म्यूचुअल कंसेंट, वहां पे म्यूचुअल कंसेंट है। बट हाँ, दोनों चाहे खुला है चाहे मुबारक है, दोनों ही केसेस में देर इज नीड टू फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ इद्दत। इद्दत पीरियड को दोनों केसेस में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चाहे वो खुला है या फिर वो मुबारक है। These are the divorces that can be by the mutual consent. Now the last is that is by judicial decree under the Dissolution of Muslim Marriage Act, that is 1939. So the first one is that is lien. Lien का मतलब क्या होता है? This means false charge of adultery. Wife के ऊपर false charge लगाना किस चीज का? Adultery का। तो लियन में जो हस्बैंड है वो एडल्ट एंड सीन है, वो अपनी वाइफ को चार्ज करता है दैट इज एडल्ट एंड सीन ऑफ एडल्ट्री, या फिर अगर वो डिनाई कर दे रिगार्डिंग द पेटर्निटी ऑफ हर चाइल्ड दैट ही इज नॉट द फादर ऑफ हर चाइल्ड, जो ऐसा चार्ज है वो फॉल्स होना चाहिए। एंड अगर प्रूव हो गया कि चार्ज ट्रू है देन डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वुड नॉट बी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द वाइफ, जो चार्ज है वो फॉल्स होना चाहिए। ऐसा फॉल्स चार्ज डज नॉट इट सेल्फ डिजॉल्व द मैरिज, इट ओनली गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वाइफ। अगर हस्बैंड वाइफ को एडल्ट्री के चार्ज उसके ऊपर लगाता है, ऐसा चार्ज फॉल्स है, तो ये मैरिज को ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं कर देगा। इट डज नॉट इट्सो फैक्टो डिजॉल्व द मैरिज, रिगार्ड दिस गिव्स द राइट टू द वाइफ टू मूव टू द कोर्ट टू डिजॉल्व द मैरिज। तो मैरिज कंटिन्यू रहती है टिल द कोर्ट पासिस द डिक्री। So the wife must file a regular suit for the dissolution of marriage. Mere एक application enough नहीं होगी, उसको regular suit file करना होगा। ऐसा कोई भी suit लाई नहीं करेगा अगर marriage irregular है। Marriage valid होनी चाहिए and judicial separation during due to lien is irrevocable. Lien जो है that is applicable only to सही marriage, वो सिर्फ सही marriage पे applicable है। That is not the fasid one. That's why I said कि जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज होनी चाहिए, वो इरेगुलर नहीं होनी चाहिए। So these are the features of lien. So whether there can be retraction of charge, क्या हस्बैंड जो है वो रिट्रैक्ट कर सकता है चार्ज? So the Muslim law permits the man to retract the charge. मुस्लिम लॉ परमिट करता है एक पर्सन को, मैन को, कि वो अपने चार्ज से रिट्रैक्ट कर सकता है। सो द ऑब्जेक्ट इज टू एस्टैब्लिश द कोडियल रिलेशंस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। बट जो रिट्रैक्शन, अगर वो रिट्रैक्ट कर रहा है अपनी चार्ज से, तो वो बोनाफाइड ही होना चाहिए।
वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वाइफ ने सूट फाइल कर दिया, वो सूट को जो है वो खत्म करना चाहता है। वो अनकंडीशनल होना चाहिए उसमें, हस्बैंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड ने उसमें कोई कंडीशन लगा दी है। एंड दैट मस्ट बी मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हियरिंग। वो कमेंसमेंट ऑफ हियरिंग के टाइम पे या उसके पहले होना चाहिए, नॉट आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस। एविडेंस खत्म होने के बाद नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड अपने जो उसने चार्ज लगाया उससे रिट्रैक्ट कर रहे। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर द रिट्रैक्शन, फॉर द वैलिड रिट्रैक्शन। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज दैट द हस्बैंड मस्ट एडमिट दैट ही हैड मेड द चार्ज ऑफ एडल्ट्री अगेंस्ट हिज वाइफ। हस्बैंड एडमिट करेगा कि हाँ उसने चार्ज लगाया था अपनी वाइफ के अगेंस्ट, एंड ऐसा जो चार्ज था वो फॉल्स था। उसने जो उसने रिट्रैक्शन की है दैट मस्ट बी मेड बिफोर द एंड ऑफ ट्रायल, वो ट्रायल के एंड के पहले होनी चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द वैलिड रिट्रैक्शन। नाउ द सेकंड फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज दैट इज फर्स्ट टर्मिनेशन ऑफ मैरिज थ्रू फर्स्ट मीन्स, दिस मीन्स कैंसिलेशन ऑफ मैरिज। सो अंडर द मुस्लिम लॉ अ लेडी कैन अप्रोच टू द काजी फॉर डिजॉल्विंग हर मैरिज। लेडी जो है काजी को अप्रोच कर सकती है अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। कुरान ये कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड टू गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ टू हिज वाइफ। ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, एंड वाइफ की ड्यूटी है कि वो अपने हस्बैंड की सारी लॉफुल ऑर्डर्स को माने। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस कंक्लूजन पे आते हैं कि वो दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, देन दे कैन रेफर द मैटर टू द काजी हु आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन कैन टर्मिनेट द मैरिज। तो फर्स्ट का मतलब क्या है? कैंसिलेशन, एबॉलिशमेंट, रिसीशन, रेवोकेशन, एब्रोगेशन, एनलमेंट। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 नहीं पास हुआ था, देर वॉज नो पीस ऑफ लेजिस्लेशन अंडर अ मुस्लिम लेडी कुड आस्क। कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन नहीं था जहाँ पे एक मुस्लिम लेडी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जो है वेयर शी कुड आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो मुस्लिम लेडीज कुड ओनली अप्लाई फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए मैरिज अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू ए फेमस जूरिस्ट दैट इज तैयार जी, कुछ ग्राउंड्स होते थे फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ। दैट इज जो मैरिज है वो इररेगुलर होनी चाहिए, पर्सन के पास ऑप्शन होना चाहिए, द पर्सन हैविंग एन ऑप्शन टू अवॉइड अ मैरिज हैज एक्सरसाइज्ड हिज ऑप्शन। मैरिज जो है वो परफॉर्म हुई थी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज और फॉस्टरेज के अंडर, दैट वी हैव स्टडीड अंडर द एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। एंड द लास्ट वन इज दैट द मैरिज हैविंग बीन कॉन्ट्रैक्टेड बाय नॉन मुस्लिम्स द पार्टीज हैव अडॉप्टेड इस्लाम। तो जब ये लॉ नहीं बना था तब जो है फर्स्ट के अंडर द वुमेन कैन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। आफ्टर दैट आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो वाइफ है ठीक है, जब ये पास नहीं हुआ था प्रायर टू द पासिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो ब्रिटिश कोर्ट्स थी वो डिनाई करती थी मुस्लिम वुमेन को द राइट ऑफ डिसोल्यूशन अवेलेबल टू दैम अंडर द शरीयत। वाइफ अप्लाई कर सकती थी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोटेंसी के अंडर, लियन के अंडर, या ऑप्शन ऑफ पुबर्टी में, दैट इज ख्यार उल पुल दैट वी हैव सीन। तो सेक्शन जब आफ्टर द पासिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया इसके रिस्पेक्ट में, and she has been given the right of divorce that is granted to her under the shariat. जो section 2 है dissolution of Muslim marriage act का, ये provide करता है 9 grounds को। This provides for 9 grounds under which a Muslim wife can obtain a decree for the dissolution of her marriage. Grounds कौन से? First one is that is absence of husband. अगर हस्बैंड के वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं पता है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, अ वुमन मैरिड अंडर द मुस्लिम लॉ शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिग्री ऑफ डिवोर्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। बट जो ऐसी डिग्री है, बट अ डिग्री पास ऑन दिस ग्राउंड वो इफेक्ट नहीं लेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री। एंड अगर हस्बैंड अपीयर हो जाता है इन पर्सन इतने टाइम पीरियड के अंडर
फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री या फिर थ्रू एन ऑथोराइज एजेंट, एंड वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है दैट ही इज प्रिपेयर टू परफॉर्म द कॉन्जुगल ड्यूटीज, तो कोर्ट जो है डिग्री को सेट असाइड कर देगा। तो 9 ग्राउंड दिए हुए हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में, जिसके अंडर एक वाइफ जो है डाइवोर्स क्लेम कर सकती है, जिसमें से फर्स्ट है दैट इज एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, कि अगर हस्बैंड के बेयर अबाउट्स के बारे में 4 साल तक नहीं पता है तो वाइफ जो है डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। सेकेंड इज फेलियर टू मेंटेन, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को निग्लेक्ट करे या उसने फेल कर गया, उसने मेंटेन नहीं किया 2 साल के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो मुस्लिम वुमेन का राइट है, शी कैन अप्लाई फॉर द डाइवोर्स। थर्ड वन इज अगर हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो गई है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 साल की सजा हो गई है या उसके ऊपर की, तो वाइफ इज एंटाइटल्ड, वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। बट नो डिग्री ऑन दिस ग्राउंड कैन बी पास जब तक कि सेंटेंस जो है वो फाइनल नहीं हो जाता है। फोर्थ वन इज फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन, लेकिन हमने देखा था फेलियर टू मेंटेन, फोर्थ वन इज फेलियर टू मेंटेन मैरिटल ऑब्लिगेशन। तो अगर हस्बैंड फेल हो जाता है, वो परफॉर्म नहीं करता है बिना किसी रीजनेबल कॉज के मैरिटल ऑब्लिगेशंस को 3 साल तक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो वाइफ का राइट है, वो मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है। फिफ्थ ग्राउंड इज दैट इज इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड इम्पोटेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड ही कंटिन्यूज टू डू सो, तो वाइफ इज एंटाइटल्ड टू द जुडिशियल डाइवोर्स फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। सिक्स्थ वन इज दैट इज इंसैनिटी, लेप्रोसी और वेनेरियल डिजीज, अगर हस्बैंड इनसेन है 2 साल तक एंड ही सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और एनी वायरलेंट कॉम्युनिकेबल वेनेरियल डिजीज, तो वाइफ क्लेम कर सकती है जुडिशियल डाइवोर्स को अंडर दिस ग्राउंड। नेक्स्ट इज दैट इज रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ, तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज ऑप्शन ऑफ पॉबर्टी में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ये। लास्ट वन इज दैट इज क्रुएलिटी ऑफ हस्बैंड, दैट इज जुडिशियल डाइवोर्स में ऑल्सो भी क्लेम बाय द मुस्लिम वाइफ, अगर हस्बैंड उसको क्रुएलिटी के साथ ट्रीट करता है, अगर उसको हैबिचुअली असॉल्ट करता है एंड उसकी एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं, वो उसको इक्वली ट्रीट नहीं करता है, इफ़ ही इज एसोसिएटेड विद वीमेन ऑफ इल रिप्यूट, और या फिर अगर वो इनफेमस लाइफ लीड करता है, और इफ ही अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, या डिस्पोज ऑफ कर देता है उसकी प्रॉपर्टी को या उसका लीगल राइट एक्सरसाइज करने के लिए उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो इन दीज ग्राउंड ऑल्सो द वाइफ कैन क्लेम फॉर द डाइवोर्स। एंड द लास्ट ग्राउंड इज दैट इज वाइफ इज एंटाइटल्ड टू ए डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज ऑन एनी अदर ग्राउंड, अगर कोर्ट को लगता है कि दिस इज द ग्राउंड दैट इज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, देन दैट इज दीज नेबर। सो दीज आर द ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज दैट वी हैव स्टडीड, द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ डाइवोर्स कैसे हो सकती है, या तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से किसी की डेथ हो जाए, या डाइवोर्स में से डाइवोर्स दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स। सो इन आर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, दिस इज द कर्नाटका स्टेट जुडिशरी बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of Jan, यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच, 6 months का ये बैच है। This is the Praram batch that is starting from 27th of December. 18 months ka hi foundation batch hai for all state judiciary exams. And there is a scholarship test that is going to be on 15th of Jan. 12 baje ye test hai. You can win scholarship. अप टू 100% रैंक 1 एंड रैंक 2 to 5 होल्डर्स को चांस मिलेगा मीट करने के लिए अनिल खन्ना सर को एंड तनसुख पालीवाल सर को, एंड 6 to 1000 विल ऑल्सो गेट अन अकेडमीज एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप। सो यू कैन जस्ट गिव दिस टेस्ट, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड डिफरेंट बैचेज आर रनिंग ऑन अन अकेडमी। आप ये कोड यूज़ कर सकते हो, विल गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद द थ्योरी, आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। सो यू कैन जस्ट सेव योर मनी विद द हेल्प ऑफ दिस कोड दैट इज़ VP लॉ। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।